गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हियर टू टीच यू ईवीएस फोर्थ क्लास। ईवीएस में आपका जो 15 चैप्टर हमने रीडिंग पोर्शन जो है फिनिश कर लिया था, ये आपका एक्सरसाइज पोर्शन है जो हम स्टार्ट करते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन जो है आपको बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर नीडेड एंड इज थ्रोन अवे इज वेस्ट। जो चीज़ें ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं होती उसे फेंक दिया जाता है कचरे में, तो उसको बोलते हैं वेस्ट, जो कचरा है। तो उसको ये लाइन सही है गलत है? सही है। प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैंस, पॉलीथीन बैग्स बिकम द पार्ट ऑफ सॉइल व्हेन ब्यूरिड। तो ये गलत है, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैंस, पॉलीथीन बैग्स सॉइल में नहीं डिजॉल्व होता, अंदर नहीं जाता। ये रॉन्ग है। ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको रिसाइकल वगैरह करके दोबारा नया बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ देयर इज़ अ वेस्ट कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। हर सिटीज़ में वेस्ट कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, ये तो सही है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको नोटबुक में करने हैं। तो वेरी शॉर्ट में आपको पूछा गया है व्हाट इज़ अ वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट तो आपको वही है, एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड एंड इज़ थ्रोन अवे इज़ वेस्ट। जो चीज़ें ज़्यादा समय तक कोई काम का नहीं होता, बर्बाद का होता है, फेंका जाता है, वही होता है वेस्ट। व्हाट इज़ अ लैंडफिल? अब इसमें पूछा है कि आपको लैंडफिल आपका है द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ब्यूरिड इन अ सेफ डंपिंग साइट इज इट इज़ नोन एज लैंडफिल। जो आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो एक डंपिंग साइट पे जाके उसे सॉइल के नीचे दबा दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, तो वही आपका होता है लैंडफिल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही है, जो सॉइल के अंदर जो चीज़ें चली जाती है, जैसे कि आपके हो गए वेस्टेज, खाने जो हैं आपके, फूड वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज वर्मिंग कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको वर्मिंग कंपोस्टिंग पैराग्राफ था उसमें, कि जो आपके नेचर के थ्रू जो ये चीज़ें होता है कि आपके जो जितने गार्बेज हैं नेचर के थ्रू किस तरह से ये ख़त्म किए जाते हैं। जैसे मैंने बताए थे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं आपके, ये चीज़ें जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल्स, जो खाने चीन पीने की चीज़ें हैं जो पड़े रहते हैं, तो उसको वो छोटे छोटे कीड़े जो हैं ख़त्म कर देते हैं, खा पी के एक तरफ से वो भी ख़त्म कर देते हैं। इस नेचर के थ्रू भी ये कार्य होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्री आर्स। अब थ्री आर्स मैंने बताया था, फर्स्ट रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये आपके तीन आर्स हैं। ठीक है, तीन आर मैंने बताए थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग। रिड्यूस में क्या होता है? आपके जो वेस्ट है उसको, मतलब रिड्यूस में कम करना होता है, जो आप जितने भी प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, उसको कम कर दें। रीयूज मतलब जो चीज़ें हैं, जो मटेरियल्स हैं उसको रिकवर करके, ग्लास, पेपर्स, मेटल्स को, उसको रीयूज करना। किसके द्वारा ये रिकवर करते हैं? रिसाइकलिंग के द्वारा होता है। ठीक है, अब रिसाइकलिंग में पता ही चल गया किस तरीके से क्या करना है, पेपर, ग्लास, मेटल्स का क्या कैसे होता है रिसाइकल, जो मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आपको शॉर्ट नोट लिखना है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के ऊपर। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, आप अपने नोटबुक में लिख लेना। आपका ई क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जनरली वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। आपके जो वेस्ट है दो टाइप के होते हैं, बताया था मैंने, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। द वेस्ट दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो डीकम्पोज नहीं होता उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो डीकम्पोज हो जाता है, जो सॉइल में ईजिली ब्यूरिड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नेक्स्ट में आएगा थर्ड वाले में बायोडिग्रेडेबल, सेकंड वाले में नॉन बायोडिग्रेडेबल। एफ वाला, ये मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में करना है। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन है, बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है।
तो फर्स्ट जो है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कलेक्टेड, कौन से बिन्स में? ब्लू वाले बिन्स में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है किस में कलेक्ट किया जाता है, वो तो ग्रीन वाले में, तो ऑप्शन सी पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है जी वाला जो आपका क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड राइट, ये आपको नोटबुक में करना है। थ्री बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उस मटेरियल जो है उसका नाम बताओ, पेपर्स, लीव्स, फ्लावर्स। और तीन आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वेस्ट मटेरियल उसका नाम बताओ, पॉलीथीन बैग्स, मेटल कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है,